अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार आज मैं नया व्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो व्लॉग तो आप लोगों ने वैसे आप लोगों ने टाइटल वगैरह तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा जहीन हो। तो हम पहले अपनी प्लेस पर पहुँचते हैं कि हम सरगोधा तो जा रहे हैं, एटलीस्ट पहुँच भी गए हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपनी प्लेस पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्टोरी है क्या। तो लेट्स गो गाइज। तो जी गाइस, आज का सफ़र थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला खैरियत तो बरकत से हमें जगह तक पहुंचा दे। ठीक है, पहुंचते हैं हम जगह पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हुआ क्या है हमारे साथ। सुन के मेरे खुद के गूज़बम्प्स कहते हैं ना, वो खड़े हो गए। तो चलो, तो लेट्स गो गाइस। तो जी गाइस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे बन रही है चिकन हलीम मोहम्मद आरिफ बना रहे हैं, जिनकी स्टोरी ये थी कि घर के अखराजात तो चला ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बेवा बहन के अखराजात भी उठा रहे हैं। तो मीन्स कि हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं। और हलीम मतलब कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी मज़े की थी। सबसे पहले हमने कहा कि हमें टेस्ट करवाएँ फिर हम लेंगे, तो इसलिए हमने सबसे पहले टेस्ट की है। हलीम को टेस्ट करने से पता चला मुझे कि हलीम तो बहुत ही आला थी और बहुत ज़बरदस्त और एक क्वालिटी वाली थी। एटलीस्ट ये था कि वो हलाल कमा रहे थे। फिर मैंने पूछा कि आप यहाँ तक आए तो आपने पढ़ा, कहता मैं पढ़ता था, एटलीस्ट एमफिल कर लिया हुआ है, और फिर भी आज घर वालों की वजह से और कुछ बहन के बेवा होने की वजह से और बाप की वफात पाने की वजह से आज इस मुकाम पर हूँ। और ये कहानी सुनी तो मैं खुद भी हक्की बक्की रह गई थी। तो जी शख्स ये अभी भी इतना मेहनत कर रहा है शख्स, तो मुझे इसकी मेहनत देख के बहुत खुशी हो रही थी। जब मैंने इसे कहा ना कि थोड़ी सी और हलीम डाल दो, तो कहता मैं पैसे तो आपसे ले रहा हूँ, तो इंशाल्लाह काम भी आपको वैसा ही दूंगा। तो एटलीस्ट जब हम लोगों से बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, वो हमें आगे से कहते हैं क्यों कर देंगे जो कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट मुझे इनका बिहेव बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे आएँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आज गरीब तबके को पीछे छोड़ के खुद हम आगे आ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो खुद अपनी फैमिली के सपोर्ट बन सके, क्योंकि अब घर में एक शख्स कमाता है और बाकी दस लोग खाने वाले होते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि आके वो आगे आए और अपना बोझ वगैरह खुद उठा सके और आहिस्ता से इन लोगों के। तो मुझे तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इनकी प्लेट बिल्कुल 100 रुपये की, बिल्कुल वैल्यूएबल प्राइस के ऊपर, रिजनेबल प्राइस के ऊपर कि आप आके खा सकते हैं। तो इसलिए तो मैं आपको फिर एक दफ़ा टूर दिखा देती हूँ कि इनकी कैसे वो बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे। तो एक एटलीस्ट एक टूर और करवा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेट्स गो गाइस। A few moments later. उसी कुछ ही मोमेंट्स बाद हमने कहा कि चावल वगैरह तो ले लिए हैं, लेकिन अब इसके साथ कुछ मीठा भी तो होना। फिर इसके लिए हम जूस लेने के सामने ही बैठी थी, उधर गए तो बैकरी से कुछ इन्होंने लेज़र वगैरह लेने थे, लेकिन मैंने कहा मैंने जस्ट जूस पीना है। ठीक है ना, तो जूस भी हमने लिया। फिर मैं कह रही थी कुछ और भी नया कुछ खरीद लेते हैं यहाँ से, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं अब चलो घर भाई। तो जी गाइस, सीज़न वगैरह तो ले लिया, अब हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मैंने आज आपको पूरी स्टोरी सुनाई है। और आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें और स्पेशली सरगोधा जाएं और इनकी हलीम चावल तो ज़रूर टेस्ट करें, और उसके अलावा यहाँ पे आएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ऐसे लोगों को। ठीक है, इस तरह हमारी। और फिर मैंने कुछ रसगुल्ले भी लिए थे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you. Leave a comment below.